माई डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 10 वर्ब्स क्लियर करूँगी। ओके, वर्ब्स कौन क्या होती हैं? वर्ब्स जितने भी हमारे एक्शन वर्ड्स हैं, जो भी हम काम करते हैं वो हमारी वर्ब्स होती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, ये हमारे सभी वर्ब्स हैं। रीडिंग, ओके, जो भी हम अपने फुल डे में जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारी वर्ब्स होती हैं। ट्रांसटिव वर्ब, इंट्रांसटिव वर्ब, आगे हम इसके बारे में देखते हैं एक्सरसाइज में। राइट, हमें ये बताने की कौन सी ट्रांसटिव वर्ब है, कौन सी इंट्रांसटिव वर्ब है। द सन रोज अप इन द स्काई, जो सन है वो आकाश में उदय होता है। यस, तो ये इंट्रांसटिव वर्ब है। जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे उसका आंसर मिलेगा वो हमारी ट्रांसटिव वर्ब है। आई रोट अ लेटर, आप क्या लिख रहे हैं? आ लेटर, तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा कि मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। टू माई फ्रेंड इन अमेरिका, तो यहाँ हमें आंसर मिलेगा कि आप क्या लिख रहे हैं? एक लेटर, तो ये हमारी ट्रांसटिव वर्ब है। सी अंडरस्टूड द क्वेश्चन द टीचर, जो टीचर ने पूछा क्या वो क्वेश्चन समझ आ गया, क्या समझ में आया क्वेश्चन, तो यहाँ एक ट्रांसटिव वर्ब है। यस, आई डोंट लाइक पीपल हु टेल राइट, मैं उन लोगों को नहीं पसंद करते जो झूठ बोलते हैं। आप किन को नहीं पसंद करते? जो लोग झूठ बोलते हैं, तो ये हमारे ट्रांसटिव वर्ब है। द शॉपकीपर सोल्ड सम स्वीट्स टू द बॉय, शॉपकीपर ने कुछ स्वीट्स बॉय को बेची, ये भी हमारी ट्रांसटिव वर्ब है। आई टुक अ टैक्सी टू माई अंकल्स हाउस, मैंने अपने अंकल के घर के लिए एक टैक्सी ली, तो ये हमारी ट्रांसटिव वर्ब है। क्या ली थी उसने? एक टैक्सी। टैक्सी या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिसमें जिस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे ट्रांसटिव वर्ब है। माई बुक्स बॉक्स कंटेंस ट्वाइस एंड बुक्स, यह हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में है ट्वाइस एंड बुक्स, तो ये हमारी ट्रांसटिव वर्ब है। द गर्ल हैड हर पर्स टाइटली, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है हर पर्स, तो ये हमारी ट्रांसटिव वर्ब है। आगे देखिए नेक्स्ट पेज, हमें यहाँ देखिए जो बी कॉलम है उसमें वर्ब्स को सर्कल करना है और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। जो हमारे वर्ब्स होते हैं उनको हमने सर्कल करना है। यू विल गेट हर्ट, तो यहाँ पर विल गेट हमारी वर्ब है। डोंट क्रॉस द रोड, क्रॉस हमारी वर्ब है एंड रोड हमारा ऑब्जेक्ट है। डिसओबिंग हमारा वर्ब है एंड ट्रैफिक रूल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। माई अंकल कैन फिक्स वर्ब है, कंप्यूटर ऑब्जेक्ट है। इज रिपेयरिंग, क्योंकि इसके पीछे आई एन जी आया है, जो जब भी इज एम आर वाज वर हैज हैड विल सेल के बाद जो भी आएगा वो हमारी वर्ब होती है मोस्टली। तो यहाँ पर इज आया था, इज के बाद रिपेयरिंग, ये हमारी वर्ब है। यहाँ पर देखिए विल आया था, विल के बाद गेट आया, तो ये हमारी वर्ब है। डोंट क्रॉस, डोंट के बाद भी हमारी वर्ब आती है। आगे देखिए यहाँ पर कैन ना आया था, इसलिए यहाँ पर ये वर्ब है। लैपटॉप हमारा ऑब्जेक्ट है। इट इज हमारा वर्ब है। इज माई बर्थडे इज ऑब्जेक्ट। आई हैव आई हैव के बाद थ्रोट, तो ये हमारी वर्ब है। पार्टी ऑब्जेक्ट है। फातिमा फाउंड इज सेकेंड वर्ब है, ये हमारी फाइंड की, तो ये वर्ब है। क्वाइन हमारा ऑब्जेक्ट है। कैप्ट सी कैप्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है। द बॉयज क्लाइम्ड भी हमारा, क्लाइम्ड अप हमारा वर्ब है। द ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट है। प्लक्ड वर्ब है एंड मैनी एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है। थ्रो हमारा वर्ब है। डैम हमारा ऑब्जेक्ट है। वरुण वीरू लीव्स हमारा वर्ब है। इन द ट्री हाउस हमारा ऑब्जेक्ट है। देयर आर मैनी ओबरियर, यहाँ पर आर हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए सर्कल द सब्जेक्ट अंडरलाइन द वर्ब क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट को सर्कल करना। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हमने बात की गई है। अंडरलाइन द वर्ब, वर्ब को हमने अंडरलाइन करना है, वर्ब कौन सी है। एंड क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमने क्रॉस आउट करना जो ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए द ईगल, तो इसमें किसके बारे में बात हुई है? ईगल के बारे में। ईगल हमारा सब्जेक्ट है, सो हमने यहाँ पर सर्कल कर दिया। एंड उसके बाद हमारा सीधा ही ऑब्जेक्ट आया है। कैरिट अवे हमारा वर्ब है। द लोयन, लोयन हमारा, क्योंकि इसमें लोयन के बारे में बात होती है, हमारा सब्जेक्ट है। हाइड हमारा वर्ब है। फ्रॉम द हंटर ऑब्जेक्ट है। माई मदर सब्जेक्ट, बेक्ड वर्ब एंड आर डिलाइसिस केक ऑब्जेक्ट है। द प्रिंसिपल सब्जेक्ट गेव वर्ब एंड मी अ प्रेटी फ्लावर ऑब्जेक्ट। वर्षा सब्जेक्ट, वर्षा के बारे में बात की गई है। स्लैप्ड वर्ब इन हर वाटर बेड ऑब्जेक्ट है। करण सब्जेक्ट है,
गॉट वर्ब है और गॉट मेडल गोल्ड मेडल ये हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे देखिए देखिए वर्ब सीन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेस। अब $10 जो भी हमारे रुपीज हैं उनके पास हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। $10 यहाँ डॉलर्स के अकॉर्डिंग एस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ आर नहीं फिर करना। हमें जो हमारे करेंसी होती है जैसे रुपीज होते हैं रुपीज के पीछे भी एस होता है बट हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब फिल करनी है। $10 इज अ हाई प्राइस टू पे। वरुण वरुण इज अ सिंगुलर नाउन सी हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करेंगे। वरुण लव्स चॉकलेट्स। नन ऑफ द गार्बेज इज पिक्ड अप। नन यहाँ में नन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का यूज करना है। नन ऑफ द गार्बेज किसी ने भी गार्बेज पिकअप नहीं किया। नाइदर ऑफ देम इज अवेलेबल टू स्पीक राइट नाउ। इन में से कोई भी सही बोलने योग्य नहीं है। अब यहाँ पर नाइदर आता है तो यहाँ देखिए ही के साथ हमने इज का यूज करना है क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है। ही इज। आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। आई एम रीडिंग। आई गेव हिम सम स्वीट। मैंने उसको सम स्वीट्स दी। माई फादर लव्स मी मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली। स्टार्स चमक रहे हैं। डू द हॉट एयर बैलून्स फ्लाई। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें करेक्ट वर्ब फिल करनी है। यहाँ देखिए अ कार एंड बाइक इज। कार एंड बाइक इनको एंड से जोड़ा गया। दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर हमारे अ कार एंड बाइक और उनको एंड से जोड़ा गया। जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो हमारा प्लूरल फॉर्म बनती है तो यहाँ पर आर आएगा ना कि इज आएगा। तो यहाँ पर देखिए अ कार एंड बाइक आर माई मीन्स ऑफ बाकी आर स्टेज। वेयर आर यूर गोगल्स। तो यहाँ पर नो चेंज इसमें कोई चेंज नहीं होगा। एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वनेस आर द कॉज ऑफ हर सेकिंग। अब जब एज वेल एज आता है सेंटेंस में तो हमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब फिल करनी है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं फिल होगी। जो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इज का यूज करना है। इज द एक्साइटमेंट एज वेल एज नर्वनेस इज द कॉज ऑफ हर सेकिंग। ओके तो आगे देखिए नाइदर रिचर नोर द अदर्स इज। अब जब भी हमारे सेंटेंस में नाइदर नोर आएगा तो हमें जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रिच है और सेकेंड सब्जेक्ट हमारा अदर्स है। जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी है। तो यहाँ पर सेकेंड सब्जेक्ट क्या है हमारा द अदर्स। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ इज नहीं आएगा यहाँ आर आएगा। माई आंट और माई अंकल। अब यहाँ भी और आया है। जब हमारे सेंटेंस में नाइदर नोर या आइदर और आएगा तो हमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। सेकेंड सब्जेक्ट क्या है हमारा माई अंकल। तो सो यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे। माई आंट और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टूडे। या तो मेरे अंकल आएंगे या मेरी आंटी आएगी आज ट्रेन से। आगे देखिए आइदर वही अब कंजक्शन है हमारा नाइदर नोर आइदर और ये हमारे कंजक्शन होते हैं तो इसमें हमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी होती है। नाइदर क्रीना और विभा। अब यहाँ पर और आए तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विभा के अकॉर्डिंग हमें हैज का यूज करना है। इन दोनों के अकॉर्डिंग इन्होंने हैव का यूज किया बट नो और आया तो इसमें से ओनली जो सेकंड सब्जेक्ट है विभा वो हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम हैज का यूज करेंगे बाकी एज चीज। द पॉलिटिशियन अलोंग। अगर हमारे सेंटेंस में अलोंग विद एज वेल एज आएंगे तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का फिल करना है। तो यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट कौन कौन से इसमें द पॉलिटिशियन एंड द न्यूजमैन। तो इसमें दो सब्जेक्ट हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है पॉलिटिशियन तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इज का यूज करेंगे। ओके दो सब्जेक्ट हैं उनको अलोंग विद से जोड़ा गया है तो हमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इज का यूज करना है। ईच ऑफ गर्ल्स सिंग्स वेल। ईच ऑफ गर्ल्स यहाँ पर एस लग जाएगा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर एस का यूज करेंगे। ओके हैव अ नाइस डे।